हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारी DZ09 स्मार्ट वॉच को हम अपने MI मोबाइल से कैसे कनेक्ट करें। तो चलिए बिना किसी बात के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आप अपने स्मार्ट वॉच लीजिए, उसको ओपन करिए। यहाँ पे आप ये देखिए, पहले पेज पे यहाँ पे ब्लूटूथ है, इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑन बटन होगा आपका, उसको आपको ऑन करना है। उसके बाद ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपने अपने स्मार्टफोन को लेना है। यहाँ पे आपको डायलर में चला गया था, आपको यहाँ पे इसका ब्लूटूथ ओपन करना है। ब्लूटूथ ओपन करने के बाद आप लोग ब्लूटूथ में जाइए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा DZ09 का ये आ चुका है, हमें इस पर टैप करना है तो एक कनेक्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक कनेक्टिंग हो रहा है। एक मिनट दोस्तों, हम इसको फिर से कनेक्टिंग करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे रेडमी कनेक्टेड आ चुका था। ये देखिए, ये कनेक्टेड हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे एक म्यूजिक चलाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इस म्यूजिक को चलाता हूँ। वन मिनट दोस्तों, यहाँ पे कुछ हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे स्मार्टफोन को बाजू में कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मार्ट वॉच से आवाज आ रही है। और इस तरह से आप अपने स्मार्टफोन से वॉच में फाइल भी ट्रांसफर कर सकते हैं, पर यहाँ से गेम्स नहीं होंगे। तो आप, मैं दिखा देता हूँ कि फाइल ट्रांसफर कैसे करते हैं। पहले आप इसे बंद कर दीजिए, म्यूजिक को बंद कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते होंगे, आपको आपको अपने स्मार्टफोन के फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको यहाँ पे मैं ये वीडियोज वीडियो सेंड कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेंड ऑप्शन आया है, आप देख सकते होंगे। इस सेंड बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे आ चुके हैं ऑप्शंस, MI ड्रॉप, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ब्लूटूथ। आपको यहाँ पे ब्लूटूथ पर क्लिक करना है। ब्लूटूथ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते होंगे मेरे स्मार्ट वॉच DZ09 का ये है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेंड फाइल टू DZ09 आ जाएगा। अब आप अपने वॉच में देख सकते होंगे, ब्लूटूथ एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट एक्सचेंज फ्रॉम रेडमी, आपको यहाँ पे यस कर देना है। यहाँ पे मेरा मेमोरी कार्ड नहीं है वॉच में, इसलिए ये मेरे इसमें नहीं आया है। तो आपके वॉच में अगर मेमोरी कार्ड होगा तो ये आ जाएगा। मेरे इसमें मेमोरी कार्ड नहीं है, इसलिए ये ड्राइव नॉट फाउंड दिखा रहा है। शुक्रिया दोस्तों, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और मैं आपको एक लाइक गेम देता हूँ, 1000 लाइक्स। अगर 1000 लाइक्स मुझे मिल जाते हैं तो मैं हमारी DZ09 में वीडियोस कैसे प्ले करते हैं वो बताऊँगा। तो शुक्रिया दोस्तों, प्लीज़ वीडियो में बने रहिए।